हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज का जो आर्टिकल है वह है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट के बारे में। तो यह जो रिपोर्ट है, इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट, यह पब्लिश की गई है, वो की गई है सिमेंटिक एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। तो यह हमें ध्यान रखना कि सिमेंटिक एक इंस्टीट्यूट है, सिमेंटेक नाम से, उसके द्वारा यह रिपोर्ट वो पब्लिश की गई है। एक तो चीज़ यहाँ पे आती है। इसके बाद में आगे क्या है कि इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग को यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के जो भी केस, उन पर यूपीएससी थोड़ा ज़्यादा फोकस करी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नज़रिए से भी। तो हमें ध्यान रखना कि इसमें इंडिया को जो रैंकिंग है वो दी गई है 3rd नंबर पर, मतलब इंडिया है वो 3rd मोस्ट वल्नरेबल कंट्री में शामिल है। सबसे पहले नंबर पर वो है यूएसए, उसके बाद 2nd नंबर पर वो है चाइना, और 3rd नंबर पर मतलब इंटरनेट की सिक्योरिटी का जो भी थ्रेट खतरा है वो इंडिया को है। तो इसके आधार पे अब कौन कौन से पैरामीटर है वो हम थोड़े एक बार नोट कर लेते हैं कि भाई कौन से पैरामीटर के आधार पे इन इंस्टीट्यूट वगैरह ने यह रिपोर्ट है वो पब्लिश की है। इसमें से मालवेयर अटैक हुआ, या फिर स्पैमिंग हुई, या फिर बूट्स हुई, या फिर फिशिंग हुई, या फिर नेटवर्क अटैक होते हैं, या फिर वेब अटैक होते हैं, या फिर रैंसमवेयर अटैक जो भी कुछ टाइम पहले हुआ था, या कई बार क्रिप्टो माइनर्स भी होते हैं, तो उन सबको इसमें इंक्लूड है वो किया गया। मतलब मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इंटरनेट में जो भी सिक्योरिटी के बाद किसी की हैकिंग वगैरह होती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया, और उसके आधार पे इंडेक्स है, रिपोर्ट है सॉरी जारी वो की गई है, और इंडिया इसमें 3rd मोस्ट वल्नरेबल कंट्री में शामिल है। इसके साथ ही यहाँ पे एक वर्ड और आता है, वो आता है क्रिप्टो जैकिंग के बारे में। तो क्या है क्रिप्टो जैकिंग, इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, क्रिप्टो जैकिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया कि रैनसमवेयर का अटैक हुआ था हमारे देश में, रैनसमवेयर और मालवेयर का अटैक हुआ था, काफ़ी लोगों के जो इंटरनेट डेबिट कार्ड वगैरह का डाटा था वो चोरी हो गया था। सेम वही बात यहाँ पे आती है। देखो, कई बार क्या होता है कि जो हैकर्स वगैरह क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को या फिर डाटा सेंटर को कहते हैं हैक कर लेते हैं, मतलब किसी के पर्सनल कंप्यूटर को या फिर डाटा सेंटर को हैक करके उसका डाटा है ना वो खुद ही आदमी एक्सेस नहीं कर पाते। जैसे मान लो कि मेरा कंप्यूटर है और जो मेरा डाटा है वो मैं खुद ही एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से वो लोग बदले में पैसे मांग रहे हैं, मेरी स्क्रीन पर मैसेज आ रहा है कि भाई आप हमें 5 करोड़ रुपये या कुछ भी पैसे दो तभी हम आपको एक्चुअली जो अलाउ है आपके एक्सेस है वो देंगे। तो इस कंडीशन में वो पैसे लेते हैं, वो लेते हैं क्रिप्टो करेंसी में। आपको पता है लास्ट टाइम पर जो मामला था वो था बिटकॉइन का, कि उन्होंने बिटकॉइन में जो फिरौती लेना स्टार्ट किया था। तो इस चीज को बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। मतलब क्रिप्टो जैकिंग का मतलब भी आप समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। ये यूपीएससी पूछ सकती है किससे रिलेटेड वगैरह, तो यह हमें ध्यान रखना है क्रिप्टो जैकिंग वर्ड है वो किससे रिलेटेड वगैरह है। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वह है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, सीसीआई के बारे में। तो देख लेते हैं, कंटेक्स्ट तो कुछ इतना खास है नहीं, बट हमारे लिए बॉडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो एक क्यूसरी जुडिशरी और एक स्टेचुरी बॉडी है, ये हमें ध्यान रखना है। स्टेचुरी बॉडी तो ऑब्वियसली इसलिए हुई क्योंकि इसको एक्ट के तहत बनाया गया है। इसका जो एक्ट था वो था कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत इसका निर्माण किया गया था, और 2003 में बॉडी वो एक्टिव फॉर्म में आई थी। क्यूसरी जुडिशरी मतलब इसके पास जुडिशरी की भी कुछ पावर है, लिमिटेड वो पावर भी इसके पास होती हैं, सिविल कोर्ट की तरह इसके पास कुछ पावर है वो होती हैं। अब देखो, इसके जो कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं, संगठन में कौन कौन होते हैं। सबसे पहले इसके एक चेयरपर्सन होते हैं, इसके साथ ही इसमें 2 से 6 मेंबर है वो हो सकते हैं, मतलब मिनिमम मेंबर है वो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर है वो 6 होने चाहिए। तो अभी जो रिसेंटली है, अभी रिसेंटली इसमें 4 मेंबर है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में 1 चेयरपर्सन है अभी और 4 इसमें मेंबर हैं। अब इसका काम क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। ये जो काम करती है वो मिनिस्ट्री, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, कहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक्चुअली कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अंजाम है वो देता है। काम क्या है इसका, काम भी हम देख लेते हैं। तो वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यही है कि हमारे देश में जो कंपटीशन है या प्रतियोगिता का जो माहौल है उसको बनाए हुए रखना और उसको और ज़्यादा बूस्ट करना, मतलब आपस में जो भी कंपनियां इंडस्ट्रीज हैं उन सबको एक तरीके से ऐसा माहौल प्रोवाइड करना ताकि वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें और हमारे देश की इकोनॉमी है वो और ज़्यादा आगे बढ़े। तो यह क्या करती है, कई बार कई कंपनीज क्या है कि अपनी मोनोपोली बनाने के लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ अपनाती हैं, कोई ऐसे काम करते हैं तो उनके ऊपर यह लगाम लगाती है। जैसे कुछ टाइम पहले इसने गूगल के ऊपर फाइन लगाया था कि गूगल ने अपने जो प्रोडक्ट्स है ना, गूगल के कुछ जैसे मोबाइल वगैरह आते हैं तो गूगल क्या करता था, उन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले सर्च इंजन पे दिखाता था। मतलब कोई भी अगर इंसान सर्च कर रहा है कि जैसे बाई न्यू फोन वगैरह, तो गूगल अपने ही प्रोडक्ट को पहले दिखा रहा था, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन को एक तरीके से डिक्रीज कर रहा था। तो उस टाइम पे इसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पे फाइन है वो भी लगाया था। तो इस प्रकार के काम इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही जो ट्रेड है उसमें फ्रीडम वो प्रोवाइड करती है, इसके साथ ही कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है, उपभोक्ता के जो इंटरेस्ट है उनको भी सर्व करती है, क्योंकि कंज्यूमर के हितों की रक्षा करना काफ़ी जरूरी होता है और इसके लिए भी है बॉडी वो काम करती है। तो यह थी इसके बारे में बेसिक न्यूज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। चलते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा हुआ है उत्तम ऐप के बारे में। तो यह एक्चुअली कोल मिनिस्ट्री के द्वारा 20 ऐप को लॉन्च है वो किया गया है। क्या है इस ऐप में, इस ऐप में देखो एक्चुअली इसका मतलब वो है अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असिस्मेंट ऑफ
माइंड कोल मतलब कोयले की जो भी माइनिंग वगैरह होती है ना, उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी जो भी माइनिंग वगैरह होती है उसके बारे में सब डिटेल्स लोगों के सामने दें। तो इस तरीके से कोल की जो क्वालिटी है उसकी मॉनिटरिंग के लिए एप्लीकेशन है वो बनाया गया है। कुछ टाइम पहले कोल मिनिस्ट्री ने एक एप्लीकेशन और बनाया था ऑनलाइन बिडिंग के लिए, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कोई यूपीएससी की बारे में एप्लीकेशन के बारे में मैच द फॉलोइंग भी पूछ लेती है, तो हमें इनके बारे में ध्यान वो रहना चाहिए क्योंकि उत्तम ऐप है वो। आप ये ध्यान रखना कि कोल की क्वालिटी, क्योंकि जैसे उत्तम का मतलब होता है कि श्रेष्ठ, तो आप वैसे याद कर सकते हो कि कोयले से रिलेटेड वगैरह श्रेष्ठ क्वालिटी से रिलेटेड है कि कोल की क्वालिटी है वो मॉनिटर की जा सके कि यहाँ पे कोयले की यहाँ पे क्वालिटी कैसे इस माइनिंग वगैरह में कैसी है। अगला जो आर्टिकल हमारा आता है वो आता है किशन गंगा प्रोजेक्ट के बारे में। किशन गंगा प्रोजेक्ट है, इसको लेके एक्चुअली पाकिस्तान है वो वर्ल्ड बैंक अभी गया था तो उसका डिस्प्यूट है वो चल रहा था काफ़ी टाइम पहले से, ये डिस्प्यूट है वो चल रहा है। बट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आता है एक तो इंडस वाटर ट्रीटी, तो इंडस वाटर ट्रीटी और इसके साथ ही किशन गंगा प्रोजेक्ट। तो इंडस वाटर ट्रीटी भी देखो न्यूज़ में थी, तो हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई है। इसमें ये प्रावधान है कि ऊपर की जो तीन नदियाँ हैं वो सिंधु हुई, जेलम हुई, चेनाब, वो तो है एक्चुअली पाकिस्तान के, मतलब उनमें 80% जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा और बाकी सतलज, रावी और व्यास हैं उनका 80% पानी है वो इंडिया यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि ऊपर की जो तीन वो थी सिंधु झेलम और चेनाब, उनका 20% पानी केवल इंडिया वो यूज कर सकता है। तो इसीलिए जब इंडिया 20% पानी यूज कर सकता है तो उसके तहत ही जो झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है किशन गंगा रिवर, तो इसी रिवर के ऊपर इंडिया है वो एक्चुअली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो बना रहा था किशन गंगा प्रोजेक्ट के नाम से। तो यह हमें ध्यान रखना है कि किशन गंगा प्रोजेक्ट है वो झेलम रिवर के बेसन पे, किशन गंगा उसकी ट्रिब्यूटरी है उस पर बनाया जा रहा है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अगला जो है पॉइंट है यहाँ पे वो आता है रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में या रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में। जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यह भी एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है, कौन सी रिवर पे, चेनाब रिवर पे। तो इन दोनों को थोड़ा डिस्प्यूट है वो चल रहा था, तो हमें डिस्प्यूट वगैरह तो याद नहीं रखना है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है यूपीएससी जो पूछ सकती है कि भाई है कहाँ पे। तो ध्यान रखना कि किशन गंगा प्रोजेक्ट और जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो दोनों ही एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में। रिवर भी एक बार आप देख लेना, किशन गंगा प्रोजेक्ट है वो किशन गंगा रिवर पे जो कि आती है झेलम रिवर के साइक में, नदी में, और जो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है चेलाब रिवर पे। चलते हैं अब हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में। तो कंटेक्स्ट है कि चार धाम प्रोजेक्ट के लिए जो भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस वगैरह चाहिए थी उसका भी थोड़ा डिस्प्यूट है वो चल रहा है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि चार धाम प्रोजेक्ट। सबसे पहली बात तो इसका यही पॉइंट आता है कि चार धाम प्रोजेक्ट है वो उत्तराखंड में है, तो एक तो ये चीज़ हमें कन्फ्यूज नहीं होनी है क्योंकि जो चारों धाम है वो उत्तराखंड में, कौन कौन से, बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, गंगोत्री हुआ और यमुनोत्री। इसमें चार धाम प्रोजेक्ट में ये प्रावधान किया गया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कि जो भी तीर्थयात्री घूमने जाते हैं वो एक्चुअली आपस में इजीली कनेक्टिविटी है वो कर सकें, क्योंकि अभी तो क्या है कि कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू रहता है कि लोग आपस में अगर एक जगह इन सब जगह चारों को जगह को घूमने जाना है तो लोग प्रॉपर ढंग से घूम नहीं पाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनकी सहूलियत के लिए लगभग 900 किलोमीटर की रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, हाईवे बनाने का प्रस्ताव है वो था, और अभी इसका काम है वो स्टार्ट भी हो गया है। इसके तहत जगह जगह रोड भी बनाई जाएंगी, टनल्स वगैरह बनाई जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड है वो हिमालय की रेंज में ही आता है, तो वहाँ पे बाईपास ब्रिज वगैरह या सबवे वगैरह है वो बना के, मतलब ऑल ओवर बात ये कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को एक साथ वो कनेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चार धाम प्रोजेक्ट है वो कहाँ से रिलेटेड है, उत्तराखंड से रिलेटेड है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को इसमें आपस में कनेक्ट हो करना है। यूपीएससी से घुमा फिर कुछ और भी दे सकती है कि हरिद्वार को ETC वगैरह, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज है वो नहीं होना है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वह है लमाते एक्सरसाइज के बारे में। तो लमाते जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और सेटल्स के बीच में है होस्ट आयोजित, इंडिया और सेटल्स के बीच में इस बार होस्ट हो की गई थी, आयोजित है वो की गई थी, तो इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, आज ये न्यूज़ में था तो इसे हमने वापस डिस्कस है वो कर लिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा वो है सेंड फिश के बारे में। इसमें देखो आप कंफ्यूज सबसे ज़्यादा यही हो सकते हो कि नाम से कि फिश है तो ऑब्वियसली फिश की स्पीसीज होगी, बट ऐसा नहीं है, सेंड फिश है वो एक छिपकली की प्रजाति है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस चीज़ को तो एकदम क्लियर कर लीजिए कि सेंड फिश है वो एक छिपकली की प्रजाति है जो कि एक्चुअली जो जमीन होती है, मिट्टी होती है उसके नीचे रहती है, मतलब जो बालू मिट्टी होती है, सेंड होती है, उसके नीचे मूव करती है, मतलब जैसे मछली है वो पानी के अंदर मूव करती है उसी तरीके से ये जो छिपकली है यह जमीन के नीचे ही मूव, मतलब इधर से उधर घूमती रहती है। तो यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कंटेक्स्ट इसका यह है कि जो सेंड फिश की जो छिपकली की जो प्रजाति है ना, इसकी एक स्पीसीज इंडिया के थार डेजर्ट जो कि राजस्थान वाले एरिया में वहाँ पे पाई गई है। अदरवाइज नॉर्मली जो सेंड फिश की स्पीसीज हैं वो नॉर्थ अफ्रीका और सऊदी अरब के जो डेजर्ट हैं उन वाले एरिया में ही यह पाई है वो जाती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सेंड फिश है वो एक फिश की प्रजाति नहीं है, यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है।
ये थी हमारी डिस्कशन, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें एक्चुअली इंडिया को थर्ड रैंक मिले कि इंडिया है वो थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, मतलब इंडिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अटैक है वो हो रहे हैं। इसके बाद ही हमने क्रिप्टो जैकिंग के बारे में डिस्कस किया, इसी के साथ ही हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि क्यूसी जुडिशरी स्टेचुरी बॉडी है, 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था, इसमें एक चेयरमैन है रिसेंटली और चार इसके मेंबर हैं, मैक्सिमम मेंबर इसके छह हो सकते हैं, मिनिमम मेंबर इसके दो हैं। काम इसका यह है कि कंपटीशन को हमारे देश में बनाए हुए रखना और कंज्यूमर के इंटरेस्ट की है, हितों की रक्षा वो करती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो था उत्तम एप्लीकेशन के बारे में, जो कि कोयले की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही किशनगंगा प्रोजेक्ट और रातले जो प्रोजेक्ट है वो दोनों क्रमशः, किशनगंगा प्रोजेक्ट है वो तो झेलम रिवर पे, किशनगंगा रिवर है उस पे, इसके साथ ही रातले हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है चेनाब रिवर में, दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो था चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि उत्तराखंड की चार धाम है बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। अब लमातेक साइज है वो इंडिया और सेचल्स के बीच में, सेचल्स की लोकेशन कहाँ है वो आपका मैसेज में क्या वो आप एक्चुअली मैपिंग में आप क्लियर कीजिए, क्योंकि हमने इसकी लोकेशन को काफ़ी बार देख लिया है। और यूपीएससी इनके बारे में नॉर्थ टू साउथ वगैरह अरेंज है वो करवा लेती है, जैसे मालदीप सेचल्स वगैरह को, तो आप देख लेना कि मालदीप में एक लोकेशन कहाँ पे है, सेचल्स की लोकेशन है वो कहाँ पे है। इसके साथ ही अगला आर्टिकल है वो है सेंटफिश के बारे में, जो कि एक छिपली प्रजाति है ना कि एक फिश की प्रजाति है, और जो अभी थार डेजर्ट में पाई गई है, ये था इसका कंटेक्स्ट। अब चलते हैं हम आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्चुअली आज का, वो है पब्लिक क्लाउड पॉलिसी के बारे में। पब्लिक क्लाउड पॉलिसी है वो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले स्टार्ट किया है, मतलब इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है जिसने पब्लिक क्लाउड पॉलिसी है वो स्टार्ट की है। ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट है जिसने पब्लिक क्लाउड पॉलिसी है उसको एक्चुअली स्टार्ट है वो किया है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो एक्चुअली है गवर्नमेंट ई मार्केट के बारे में। गवर्नमेंट ई मार्केट, ई मार्केट के इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सॉरी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पूरा नाम ही है। तो ई मार्केट प्लेस है उसका उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन आपके सामने ये है कि एक तो सरकार को इससे बचत है वो होगी, और दूसरा ऑप्शन इसका ये था कि घरेलू जो इंफ्रास्ट्रक्चर, घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ना उनको इससे काफ़ी फायदा वो मिलने वाला है, और तीसरा ऑप्शन ये था कि सरकार की जो विभिन्न मिनिस्ट्रीज हैं और जो एजेंसीज हैं ना वो आपस में जो वस्तुएं वगैरह हैं उनका ट्रेड वगैरह कर सकेंगी, मतलब उससे क्या होगा पारदर्शिता आएगी सामने, ये है। तो तीनों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस था ना, तीनों के स्टेटमेंट ही सही है। इससे सरकार की बचत भी होगी क्योंकि सरकार एक पोर्टल में सारी चीज़ें डाल देगी, हाँ भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए और हम ये चीज़ सप्लाई करते हैं, जिसको लेनी है वो लो और जिसको बेचनी है हमें वो चीज़ आप यहाँ पे बेच सकते हो, तो इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो ऑनलाइन रहेगा सारा काम। इसके साथ ही जो घरेलू जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी इससे काफ़ी फायदा है वो होने वाला है, और तीसरा था वो था कि सरकार की विभिन्न एजेंसीज और जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में खरीद वगैरह कर सकेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है जो आर्टिकल नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। क्वेश्चन यह है कि नेशनल हाउसिंग बैंक है उसके द्वारा प्रकाशित एक इंडेक्स था जिसका नाम है NHB, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, NHBRESIDEX। तो इसके बारे में आपको बताना है कि NHBRESIDEX है, इसके संबंध में आपको स्टेटमेंट है वो बता रहा हूँ मैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि है आवासीय जो संपत्ति है ना इसके मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के मापना कैलकुलेशन है वो करता है। पहला स्टेटमेंट ये है कि यह आवासीय संपत्ति के जो मूल्य है ना उसमें होने वाले उतार चढ़ाव का मूल्यांकन है वो करता है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यह जो इंडेक्स है वो केवल शहरों को सम्मिलित करता है ना कि रूरल एरिया को। तो दोनों स्टेटमेंट आप ढंग से देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, और इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार पीछे रिवर्स कर लीजिए और फिर इसको आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।